ओएसी साहब बड़े बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे, हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया, अब जो क्या अनहोनी बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान में जिस बात को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम शीर्ष के बड़े नेता निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने ही भीतर चल रहे उस घमासान से लड़ नहीं पा रही, और इन बातों का जिक्र राजेंद्र राठौर ने किया है। राजेंद्र राठौर ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत जिस बात को लेकर के दावे कर रहे हैं, दरअसल उसमें कोई जमीनी हकीकत नहीं है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री होने के बजाय भी पार्टी में या फिर नेताओं के बीच उनकी जो वो विश्वसनीयता है वो उस संघ से नजर नहीं आती। हालांकि इस बात में कितनी हकीकत है वो जनता तय करेगी। फिलहाल इस बड़े बयान के जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी भी इस पर पलटवार कर सकती है। चुनाव नजदीक है और इससे पहले जिन मुद्दों को लेकर के खास तौर से राजेंद्र गुड़ा के उस लाल डायरी को लेकर के भी बीजेपी आक्रामक नजर आती है, और कई बार इन बातों का जिक्र जो है भाजपा की रैलियों में किया जा चुका है। यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब राजेंद्र गुड़ा ने और ऐसे कई विधायकों इन तमाम बातों का खुलासा करना शुरू किया तो वैसे नेताओं को कहीं ना कहीं किनारा लगाने की एक कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई। अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस पार्टी में अपने खेमे के विधायकों को एक साथ रखकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ताकत जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान को दिखाने की कोशिश की, इन बातों को लेकर के भी राजेंद्र राठौर ने साफ तौर पर निशाना साधा और ये कहा कि जनता इस बार सत्ता के परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे राजस्थान के अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद जो है वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा, इन बातों का भी जिक्र किया और ये कहा कि अशोक गहलोत इस भ्रम में जी रहे हैं। हालांकि जनता पूरी तरीके से सरकार को नकारने के मूड में नजर आ रही है और सत्ता में एक परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा जब 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं राजेंद्र राठौर का, जिस बयान के बाद राजनीतिक हलचल राजस्थान में बढ़ती दिखाई दे रही है। समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना, हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओएसी साहब बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे, हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया, अब जो क्या अनहोनी बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपने हर बूथ पर वोटो युक्त कमेटियां तक बना डाली, पन्ना प्रमुख तक दल बन गए, और कांग्रेस का संगठन थैले से डोटासरा जी के थैले में डबल चैन में कैद रहा, वहां से निकला ही नहीं। एक बार निकला और जंबो जेट की तरह कुछ सचिव बनाए और वो फिर बैक टू द पवेलियन, जब आरोप लगे तो वापिस आ गए। पहली सीट मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई, प्रताप सिंह खाचरिया उनको जगह नहीं मिल पाई, तमाम मंत्री ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में युद्ध है, युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ सजावा सामने आओ ना, उनको दे रहे, कह रहे हैं अगस्त को उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार, अब क्यों चुप क्यों हो, गलो साहब चुप क्यों हैं, डोटासरा जी चुप क्यों हैं, आओ एक दिन भी एक क्यों जाया करते, आओ मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं, तो उसमें क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं किया गया? तो हमने देखा दर्शकों, अब क्या इस पूरे मामले पर जो सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं जो है अशोक गहलोत के समर्थन में बयान जारी किया और ये कहा कि वो इस पूरी लड़ाई में अशोक गहलोत के साथ है और पार्टी में किसी भी तरीके की कोई जो खिटपिट नज़र नहीं आएगी, चुनाव एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, देखते हैं इस पर जनता कितना भरोसा जताती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।